हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आपके सामने कुछ नोटिफिकेशन शेयर करने वाले हैं। तो जो नोटिफिकेशन होने वाली है ना, ये रिगार्डिंग होने वाली कुछ चीज़ वो दीपक भाई बताए, ये होने रिगार्डिंग कि बच्चों के जो हमारे क्वेश्चन थे पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं हमारे कॉलेज, उससे रिलेटेड जो उसकी एडमिशन होनी है उससे रिलेटेड। दोस्तों, जो भी हमारी मतलब कि पीजी कोर्सेज हैं, ठीक है, जितने भी आपके मास्टर कोर्सेज हैं, ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग ये आपकी नोटिफिकेशन है जो हमें कल ही मिली है आशा मैम और योजना मैम से। एंड इसमें बताया गया है आपकी कि कब कब क्या क्या चीज़ें होने वाली। तो पहला है आपके ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होना है आपका 1st से 6th अगस्त के बीच में, ठीक है। वेबसाइट मैं शेयर कर दूंगा, उससे जाके आपने रजिस्टर कर देना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। सेकेंड, आपके जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी वो आपकी 9 अगस्त को होगी डिस्प्ले, ठीक है। मोड ऑफ काउंसलिंग रहेगा आपके पास ऑफलाइन। अब जो काउंसलिंग होगी ना वो इन पर्सन होगी, और जो फीस डिपॉजिट होगा उसी दिन होगा, वो होगा 10, 11, 12 अगस्त को, ठीक है। उसके काउंसलिंग नहीं, उसके बाद है आपके पास डिस्प्ले ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट। जो सेकेंड मेरिट लिस्ट का डिस्प्ले होगा आपका वो होगा 16 अगस्त को, और इसकी काउंसलिंग और जो फीस डिपॉजिट है वो होगी 17, 18 अगस्त को, ठीक है। उसके जो रोल नंबर और एडमिशन ऑफ रोल ऑन एडमिशन है ना, जो आपकी थर्ड सेम, ठीक है, और उसका फी डिपॉजिट है वो होगा 10 अगस्त को और 17 अगस्त को। ये थर्ड सेम के लिए है, जो भी थर्ड सेम वाले, ठीक है, रोल ऑन एडमिशन वाले। लास्ट में जो एलिजिबिलिटी गाइडलाइंस है आपकी, वो अकॉर्डिंग टू आपकी एचपीयू रहेगी, और जो आपकी गाइडलाइंस है मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो दीपक भाई बताएगी आपको। जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे काउंसलिंग के दिन, तो उसमें पहले आपका प्रिंट आउट चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म का जो आपने अप्लाई किया था उसका प्रिंट आउट, ठीक है। और दूसरा आपका एज प्रूफ के लिए आप ले सकते हैं अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका आधार कार्ड, और ये सारे ओरिजिनल भी लाने हैं और फोटोकॉपी भी, ठीक है। और 12th की DMC और ग्रेजुएशन की DMC, और आपका एडमिट कार्ड चाहिए रहेगा एंट्रांस का जो आपने एच पी का एंट्रांस किया था, और उसका रिजल्ट, उसके रिजल्ट की फोटोकॉपी भी चाहिए रहेगी, रिजल्ट की जहाँ आपका रोल नंबर आएगा उसके सामने जो आपके उसका रिजल्ट है उसकी फोटोकॉपी चाहिए रहेगी, और आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, और आपके 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए लेटेस्ट, और ठीक है, और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट या तो आपका इंस्टीट्यूशन से इशू होगा, और या आपका होगा ये किसी अथॉरिटी से, मतलब जैसे कि मैजिस्ट्रेट या तहसीलदार से। और फिर आपका गैप ईयर का सर्टिफिकेट भी चाहिएगा, अगर आपने बीच में ग्रेजुएशन लेवल ड्रॉप किया है तो उसका गैप ईयर का सर्टिफिकेट भी रहेगा, और आपका ये, और आपका बोनाफाइड एचपी बोनाफाइड का सर्टिफिकेट ये रहेंगे इसके लिए। और लास्ट में इसमें थोड़ा सा बोला गया है कि आपको कॉपी लानी है हर डॉक्यूमेंट की, ठीक है, एक कॉपी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट, है ना सर। हाँ, बस तो यही थी आपकी रिगार्डिंग जितनी भी पीजी कोर्सेज है। एक बार मैं पीजी कोर्सेज रिपीट कर लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो एक है आपके एमकॉम हो गया, पीजीटीसीए हो गया, ठीक है, एमए हो गया, एमए इंग्लिश में है, हिंदी में है, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंड एमएससी वाला आप बता दो। एमएससी में आपका बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, और ज्योग्राफी हो गया। ये आपके हैं जो कोर्सेज ऑफर कर रहा है कॉलेज 2023 और 2024 में। और अगर आपको और इस रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं मनीष भाई को, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट दे दूंगा मैं, या फिर डिस्क्रिप्शन पे नंबर वगैरह डाल देंगे, इस पर बस कॉल कर देना, या आपको कुछ भी पूछना है तो बता देना। और कॉलेज आके भी कुछ हेल्प चाहिए तो वील हेल्प यू आउट, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, और मैं आपके साथ ये जो आपका डॉक्यूमेंट का प्रिंट है वो भी शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।